हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद इतिमन। DSSSB की तरफ से गुड न्यूज़ आ चुकी है। शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो चुका है। 1841 से अधिक परमानेंट पदों पर भर्तियां यहां पर होंगी। तो कौन से विषय के कितनी पोस्ट आई हैं, तो चलिए एडवर्टीजमेंट में हम लोग देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पर वैकेंसी नोटिस जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वह है 2/2023। द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17/8/2023 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो है वो रहेगी 15 सितंबर। तो चलिए देख लेते हैं कितने जो है वो वैकेंसी आई है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए। म्यूजिक टीचर की जो है यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है वो 182 पोस्ट आई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के 581 पद आए हैं। इसके अलावा पब्लिसिटी असिस्टेंट इसके एक पद है, फोटोग्राफर के 3 पद हैं, सर्विलेंस वर्कर के 13 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 11 पद हैं, सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट बायोलॉजी के 5 पद हैं। जिस तरीके से वैकेंसी आई है तो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। अभी जो है वो 1841 पदों पर जो है वो वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आया है। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इसके जो है वो 5 पद हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 3 हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट बैलिस्टिक के 7 हैं, इसके अलावा बायोलॉजी के 5 हैं, ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट के, लेबोरेटरी असिस्टेंट के यहाँ पर 9 पद हैं। उसके बाद होम्योपैथिक कंपाउंडर के जो है यहाँ पर 9 पद आए हैं। कुल जो है यहाँ पर टोटल पोस्ट 1841 हैं, ठीक है। TGT कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर 6 पद हैं। PGT इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट इसके कितने पद हैं, यहाँ पर 8 पद हैं। और PGT इंग्लिश मेल के यहाँ पर 21 पद आए हैं। EVGC फीमेल के यहाँ पर 50 पद हैं। तो DSSSB में मेल और फीमेल के जो है वो अलग अलग पदों की संख्या होती है। यहाँ पर जो है वो संस्कृत PGT संस्कृत में जो है कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अभी जो है वो संस्कृत की जो है वैकेंसी नहीं आती है। DSSSB की तरफ से संस्कृत फीमेल और मेल दोनों की अलग अलग वैकेंसी आई है। मेल की यहाँ पर 13 वैकेंसी है और फीमेल की बहुत कम है, 1 है। इसके अलावा EVGC मेल के जो है यहाँ पर 138 पदों की जो है वैकेंसी रिलीज हुई है। PGT ग्राफिक मेल का यहाँ पर 1 पद आया है। PGT फाइन आर्ट पेंटिंग फीमेल 2 पद हैं। एग्रीकल्चर मेल के 1 पद हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के यहाँ पर 244 पद हैं। जूनियर PA जो है इंग्लिश के यहाँ पर 7 पद हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 के 39 हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट के 21 है, असिस्टेंट जो है उसके 20, इसके अलावा भी जो है वो कई वैकेंसी हैं निकाली गई हैं। या असिस्टेंट इसके 118 हैं, OT के, टेक्नीशियन के जो है 72 हैं, और इसके अलावा जो है वो ऑडियोमेट्रिक के 13 हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के 8 पद हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो कंप्लीट इन्होंने 1841 पदों का अभी जो है वो जारी कर दिया है। यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये वेबसाइट है DSSSB की, यहाँ पर एप्लीकेशन करनी है ऑनलाइन। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 15/9, 15 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे। द एप्लीकेंट आर एडवाइज, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन करेंगे स्टूडेंट उनको एडवाइस दी जाती है कि DSSSB की जो वेबसाइट है इस पर कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, डिटेल एडवर्टीजमेंट, क्योंकि अभी शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आया है, डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें आप अपनी जो एलिजिबिलिटी कन्फर्म करेंगे ऑफ द अबव वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी अभी जारी हुई है। द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू ड्यू कोर्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड ऑन रेगुलर बेसिस टू गेट अपडेट। जो भी नई अपडेट आती हैं चैनल के माध्यम से आपको पता चल ही जाएंगी। बाकी जो है वो आप लोग फॉर्म डालेंगे तो वेबसाइट पर जो है वो आप रेगुलर जो अपडेट आती हैं तो उनको देखते रहें। द बोर्ड शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो आप लोगों को कंप्लीट जो है एडवर्टीजमेंट जैसे ही जारी होती है तो मैं वीडियो बना दूंगी और आप लोग जो है वो कंप्लीट डिटेल में देख लेंगे क्या एलिजिबिलिटी जो है वो हर पोस्ट के लिए मांगी गई है। तो अभी जो है यहाँ पर 1841 पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है, बाकी अभी बहुत सारी वैकेंसी आनी बाकी है और भी सब्जेक्ट की। तो चलिए जैसे ही आती है न्यू अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।